कड़कड़ाती और हाड़ कपा देने वाली ठंड और बिना किसी आश्रय के अगर खुले में रात बितानी पड़े तो क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हम लोग तो अपने घरों में छतों के नीचे कंबल, रजाई और हीटर चलाकर चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हमारे ही समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, मजबूर हैं, जिनके पास इस तरह की तमाम सुख सुविधाएं नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए कोर्ट और सरकार के सख्त आदेश हैं कि रैन बसेरे बनाए जाएं, लेकिन फतेहाबाद के रैन बसेरों के ताले शायद ही कभी खुलते हों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रैन बसेरों के बारे में स्थानीय लोगों को ही नहीं मालूम, बाहर से आने वाले यात्रियों को तो क्या ही पता होगा। वहीं जब हमारी टीम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो चौंकाने वाली चीजों का खुलासा हुआ। रात के करीब 10 बजे हमारी टीम सबसे पहले अनाज मंडी पहुंची। उसके पास रामसेवा समिति धर्मशाला में एक रैन बसेरा बना है, लेकिन धर्मशाला के मुख्य गेट पर ही ताला लटका मिला। करीब आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाया और आवाज देने के बावजूद भी कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। हेलो मैनेजर साहब, या मैनेजर शॉट, हेलो। थक हार कर जब टीम ने धर्मशाला के मैनेजर को फोन किया तो बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब मिला। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का गेट बंद होने का समय 10 बजे है और यहाँ पर रेन बसेरे की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई रहना चाहता है तो 300 रुपए कमरे का चार्ज देकर रह सकता है। मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सब धर्मशाला के आगे खड़ा हूँ जी, और रेन बसेरे के लिए कमरा चाहिए। अब कोई कमरा को नहीं। मैं सब, मैं यात्री हूँ और बाहर से आया हूँ जी। सरकार का ऑर्डर है, अभी यात्री बाहर से आएंगे तो यहाँ रुक सकते हैं जी। मैंने तो बोर्ड देखा था आपका बस स्टैंड पे लगा हुआ। तो यात्री रुक सकते हैं, 9 बजे का टाइम है भाई साहब, यात्री आते हैं। भाई अभी टाइम कुछ नहीं हुआ जी, आप टाइम देखो जी एक बार। देख लिया टाइम जी। तो भाई साहब कमरा चाहिए था, आप कहाँ जाए जी? हम अग्रवाल साहब वहाँ गया था, वो भी ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप आराम से धर्मशाला में जाओ जी, वहाँ कमरा खाली है, यहाँ तो नहीं अभी। कमोवेश यही हालात नगर पालिका में बने रैन बसेरे का भी था। रात करीब 11:30 बजे जब टीम नगर पालिका के रैन बसेरे पर पहुंची तो यहां भी मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ मिला और कोई भी कर्मचारी वहां तैनात नहीं था। नगर पालिका के अंदर ही रैन बसेरे संबंधी एक पोस्टर लगा था, उस पर लिखे नंबर पर जब संपर्क किया तो वहां पर भी यही जवाब मिला कि सिर्फ 10 बजे तक ही सेवाएं उपलब्ध है। यात्री आए हैं, कुछ दरवाजा खोल दो। यात्री सर्दी में बाहर खड़े हैं और यहाँ ताला लगा रखा है। वहीं जब पंचायत भवन में स्थायी तौर पर बने रैन बसेरे का हाल जानने के लिए हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर भी मुख्य गेट पर ताला चढ़ा हुआ मिला और वहां पर भी दूर दूर तक कोई कर्मचारी नहीं था। हमने आपको ये शहर के 3 रैन बसेरों का हाल दिखाया। ऐसे में कई मजबूर लोग इस कपकपाती सर्दी में खुले में सोने के लिए मजबूर है। जरा एक बार इन लोगों की बात को सुनिए जो इस सर्दी में बाहर सोने के लिए मजबूर है। कहाँ काम करते हो आप? ये मंडी में काम करते हैं। तो रात को सोने के लिए आपको जगह कहाँ रहते हो आप? ये इसी जगह रहते हैं मंडी के अंदर। तो सरकार ने एक रैन बसेरा नाम से लोगों के लिए बनाया हुआ है ठहराव के लिए, कभी आप वहाँ गए और रहने के लिए? नहीं, वहाँ नहीं गए। तो आपको पता है सरकार ने सुविधा दे रखी है लोगों के लिए? नहीं, हम लोगों को ये पता नहीं है। कोई भी आपके पास आगे नहीं कहा किसी ने भी आप यहाँ जो रैन बसेरा बना रखा है सरकार ने? कोई भी नहीं बताया हम लोग को। तो आप ठंड में सोते हो बाहर? बस ठंड में सोते हैं बाहर। तो कोई किसी ने कंबल, कोई रजाई, कोई आपको दरी वगैरह दे रखी है किसी ने? कोई नहीं दिया, वही बढ़िया लोग को जो मिल जाता है तो ले आते हैं, वही तंबू सो जाते हैं, किस तरह से टाइम पास कर लेते हैं, तंबू में सोते हैं। तो आपको सरकार ने कोई कंबल खेस वगैरह, आप खुले में जिस तरह सो रहे हो? कंबल खेस कोई नहीं दिया है, हम लोग पास एक चादर है जो कि वही चादर से जरा काटते हैं। तो सरकार ने रैन बसेरा नाम से एक ठिकाना बनाया हुआ है जो बाहर के यात्री आते हैं या आम लोग, जो उनके पास ठिकाना नहीं है सोने के लिए। कोई आपके पास अधिकारी आए, किसी ने बताया आपको भी यहाँ? नहीं नहीं, कोई नहीं बताया अभी तक। कुछ नहीं बताया आपको? कुछ नहीं बताया। तो इतनी सर्दी में आप बाहर सो रहे हो? हाँ, बाहर सो रहे हो। तो आप कहाँ सो रहे हो आप? झुग्गी में सो रहे हैं।
हम अभी ऐसे खुले सोते हैं, ठीक है, कोई चीज नहीं मिल रहा है। तो तिरपाल लगा के आपने खुद नहीं अपने सर्दी के लिए बचाव किया हुआ है? हाँ हाँ। आपको पता है सरकार ने सुविधा चला रखी है रहने बसेरा नाम के नाम से, और वहाँ पे आपको कंबल रजाई सोने के लिए सुविधा नहीं? हमको पता नहीं है, कोई पता नहीं है नहीं। कब से आप इसे खोले में सो रहे हो? दो महीने से। तो कब तक आप यहाँ काम करते हो, पतियाली मंडी में काम कर रहे हो आप? कब से यहाँ काम करोगे, कब तक, कितने दिन तक काम करोगे आप? काम अभी करेंगे यहाँ 5-6 महीना। ऐसे खुले में सोते हो आप? हाँ ऐसे खुले में सोते हैं। वहीं जब इस बारे में एडीसी सतबीर जंगू से बात की गई तो उन्होंने रैन बसेरे खुले होने और तमाम सुविधाएं दिए जाने का एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उन्हें इस हकीकत से रूबरू करवाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर ऐसा किया जा रहा है तो इसकी पड़ताल की जाएगी। फतेहाबाद में रैन बसेरा एक तो काफी टाइम पुराना बना हुआ है पंचायत भवन में, सेकेंड अभी नगर पालिका में बनाया गया है, उसमें 8-10 आदमियों के लिए गद्दे और रजाई रखे हुए हैं, अलग से बाथरूम है, टॉयलेट है। इसके अलावा भी अग्रसेन धर्मशाला और राम सेवा समिति धर्मशाला में 2 हाल है जिसमें भी गद्दे और रजाइयां रखी हुई है, बाथरूम है बढ़िया। यहाँ पे मेरे को तो कभी देखने को ऐसा मिला नहीं कि जिसको कोई रात का नाइट शेल्टर ना मिले हो और बाहर सो रहे हो। रात को हम वहाँ गए थे, ऐसी कोई व्यवस्था खास करके नहीं दिखी तो उसको लेकर कोई एक्शन नहीं। खास करके व्यवस्था क्या, आपको गद्दे रजाई नहीं मिले, एक बाथरूम नहीं, गेट ही बंद है सर, ताले लगे हुए थे, ताले तो अटेंडेंट के नंबर रहे, उनसे बात करते तो खोल देते। गेट लगाए हुए, फोन भी मिला है। आप तो ट्रायल के लिए गए थे, आप मेरे को नहीं, चलो मैं चलूंगा आज ट्रायल के लिए, देखते हैं, लेकिन खुलते हैं कैसी बात नहीं। वहीं कोर्ट और सरकार की सख्ती के बाद जगह जगह पर रैन बसेरे तो बना दिए गए लेकिन इन रैन बसेरों की सुविधाओं को आम आदमी तक की पहुंच से दूर रखा गया है। देखना होगा कि जब इस पूरे मुद्दे पर मीडिया ने संज्ञान लिया है तो इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।